और अब खबर सियासी दंगल से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों की तरफ से सब दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन कल दोनों ही खेमों में बड़ी भिड़ंत हुई। बयानबाजी के जरिए एक दूसरे पर खूब तीखे वार किए गए और फिर चुन चुन कर वार का पलटवार भी हुआ। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। पश्चिमी यूपी के दंगल में दिग्गजों के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। प्रचार जैसे जैसे गर्म हो रहा है, रैलियों, सभाओं और ट्विटर के जरिए बड़े बड़े नेता बयानों के मामले में गला काट प्रतियोगिता कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह, नड्डा, योगी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के सहारे बीजेपी का धुआंधार प्रचार चल रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का खेमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के एक एक हमले का जवाब दे रहा है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने दो दिनों में पश्चिमी यूपी के चार शहरों में चार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। सहारनपुर की सभा में अमित शाह ने बताया कि माफिया अब केवल तीन जगह ही बचे हैं। माफिया तीन ही जगह पे है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। गृह मंत्री के इस आरोप का अखिलेश यादव ने भी गाजियाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े के साथ जवाब दिया। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। जयंत के चवन्नी वाले चर्चित बयान के बावजूद बीजेपी जयंत पर डोरे डालने की कोशिश में लगी है। एक बार फिर अमित शाह ने जयंत चौधरी के सियासी भविष्य को लेकर फिक्र जताया, तो जयंत ने फिर टकासा जवाब देकर बीजेपी की सुनने से इनकार कर दिया। अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको? काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। वो मेरे ईमान और जज्बात को नहीं समझ पाए। हम लोग बेवफाई नहीं कर सकते किसानों के साथ, अपने मुद्दों के साथ। और पिछले कई वर्षों से आपने देखा है मैं विपक्ष में हूँ, मैं चुनाव हार गया, उसका मुझे कोई मलाल नहीं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं लगातार सड़क पर रहा हूँ। कोई कारण नहीं, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जिस कारण मैं टूट जाऊं, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल लूं। पश्चिमी यूपी में दोनों खेमों का पूरा जोर जाट वोटरों को साधने पर है, जिसमें किसानों की भी बड़ी तादाद है। किसान आंदोलन और जयंत के बूते इस बार अखिलेश को पश्चिमी यूपी से बड़ी उम्मीद जगी है। यही वजह है कि वो बार बार किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, किसानों के सवाल पर बीजेपी को बहस की चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन शायद बीजेपी मुद्दे को डाइवर्ट करने में अपनी भलाई समझ रही है। जिस 2013 दंगों की वजह से बीजेपी को 2017 के चुनाव में बड़ा फायदा मिला था, उस दंगे का जिक्र, कब्रिस्तान का जिक्र अखिलेश को घेरने के लिए बार बार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता है, विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का। मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हो और राम भक्तों पर जिन्होंने निर्ममता से गोली चलाई है, क्या वे लोग जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान वहां मारे गए थे, बहन की रक्षा के लिए, बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे दो नौजवान गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई। महीनों तक दंगा हुआ, दंगों के
कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश दे करके ऐसे दे रहे। अखिलेश ने जवाब दिया है कि ये लाल टोपी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए खतरा पैदा करने वाला है। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। ABP News, आपको रखे आगे।